नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी का 2024 का मिशन विष्णु मोहन और भजन। आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरों को मौका देना मोदी के मिशन 2024 की तैयारी है। क्या तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री 2024 के लिए बड़ा दांव साबित होंगे। अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान के नए सीएम का ऐलान हुआ और भजन लाल शर्मा को मौका दिया गया। इससे पहले मोहन यादव को मध्य प्रदेश, विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम चुना गया। विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है, मोहन यादव ओबीसी कैटेगरी। राजस्थान में ब्राह्मण को मौका दिया गया है। तीनों राज्यों में दो डेप्यूटी सीएम भी होंगे। दिया कुमारी जो राजपूत समाज से आती है वो डेप्यूटी सीएम होगी, साथ ही प्रेमचंद बैरवा जो दलित समुदाय से है वो दूसरे डेप्यूटी सीएम होंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जरा आपको बता दें, राजस्थान के नए सीएम ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी सौंपी है। फिलहाल ये तय नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा, लेकिन आपको बता दें अब तारीख आ गई है, 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। राजस्थान के नए सीएम चुने गए हैं, वहीं उसी के साथ तारीख 15 दिसंबर जब भजन लाल शर्मा नए सीएम पद की शपथ लेंगे। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक वहां पर गए थे, क्या उन्होंने बताया, किस तरह से समझाया कि नाम प्रस्तावित किया वसुंधरा राजे। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। दो उप मुख्यमंत्री होंगे श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी ये स्पीकर होंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, सांसद प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अतुल लौधे पाटिल साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय विद्रोही जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए अतुल लौधे पाटिल जी, ये तो तय है कि बीजेपी एक रणनीति के साथ चलती है और अच्छा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि विष्णु मोहन और भजन के साथ जो 2024 की तैयारी में बीजेपी लग गई है, पता नहीं क्या सोचकर, कैसे सोचकर पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है कि दिग्गज उसके सामने बौने हो जाते हैं। वरना आपकी पार्टी में तो हम लोगों ने देखा ही है सर, राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ और पीएम ने उसको भी अपने भाषणों में खूब उजागर किया। सचिन पायलट का इशू उठा दिया, जनता ने वो सब सुना समझा और बीजेपी को देख रही है जहां पर पार्टी अगले चुनाव में क्या कर सकती है, पार्टी को क्या हासिल हो सकता है, पार्टी नेतृत्व क्या सोच रहा है, पार्टी के इर्द गिर्द ही पूरा मामला अटकता है। दिग्गज कौन कितना बड़ा, किसको कुर्सी पकड़ रही है, किसको कुर्सी छोड़ रही है, ये सब बेमानी हो जाता है। अंजना जी, थोड़ा सा आपके विश्लेषण को मैं दुरुस्त कर दूं, ये बीजेपी पार्टी नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का खेल है। तो स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि 2024 में जब लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाएगा तो वो भी ऐसे किसी नए को चुना जाएगा, इसी परंपरा को आगे रखा जाएगा। देखते हैं, अभी घोड़ा मैदान बहुत दूर नहीं है, मई में नया प्रधानमंत्री मिलना है देश को, तो देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन सा नया चौंकाने वाला चेहरा, या देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं या फिर नितिन जी गडकरी आ जाते हैं, फिर या फिर कोई ऐसा चेहरा जैसे विष्णु भजन
और इनके आए हैं नाम मोहन के, तो ऐसा ही कोई नाम प्रधानमंत्री के लिए आता है क्या? देखते हैं, अगर वैसा नाम आया तो फिर कह पाएंगे हम कि ये बीजेपी का रणनीति है, ये एक पार्टी की रणनीति है। अगर नहीं आता है तो ये फिर पार्टी की रणनीति नहीं है, सिद्ध हो जाएगा ये किसके चेहरे पे रणनीति। चुनाव वो लगे लड़े थे अतुल जी? किसके चेहरे पे चुनाव लड़े थे तीनों राज्यों में? देखिए, जब परिस्थिति ऐसी थी कि बीजेपी जीत करनी आएगी तो लोकल चेहरे थे, और जैसी परिस्थिति ऐसे दिखने लगे, जब नतीजे आ गए तो फिर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ लिए, ऐसा हो गया था। तो ये ये सब दो सिर्फ अलग अलग कैमरे के नैरेटिव सामने थे। आप बोलते हैं या कैमरे के पीछे भी यही सब बोलते हैं? अंजना जी, हाँ, कैमरे के पीछे वही बात थी और आगे भी यही बात थी, सिर्फ हार और जीत की बात थी। हारे तो लोकल लीडर हारे, जीते तो मोदी जी जीते। ये नैरेटिव सही है या गलत नहीं, आपका अंतरात्मा जानता है और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपने इससे नहीं भी पहले जानने की कौन कोशिश से की तो सभी राज्य का जानते। चुनाव सिर्फ पीएम के चेहरे पर लड़े थी बीजेपी, ये बताइए। डबल इंजन की बात करती थी, कर्नाटक कौन सा चुनाव? कर्नाटक तो बसवराज कर्नाटक में बोम्मई अंजना को जी, सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया था? आप एक समझ लीजिए, बसवराज बोम्मई जी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, वहां पर मोदी जी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, या फिर खोल के देख लीजिए कब बसवराज बोम्मई को उन्होंने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर ठीक किया है, था, लक्ष्मीकांत वहां जी पर मोदी जी का चेहरा जवाब ही था। दीजिए। वो कह रहे हैं कि दो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र स्थापित हो गया है आपकी पार्टी में? देखिए, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की बेचारगी समझ में आती है कि किस तरह तीन राज्यों में चुनाव हारे हैं, उसके बाद इनकी जो भाषा है वो किस तरह की हो गई है। लेकिन आप ये समझिए कि राजस्थान सहित बाकी के राज्यों में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, राजस्थान में तो बाकायदा नारा चला मोदी साथ है राजस्थान, और उसको लेकर पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उतरे हैं। मोदी जी ने जो सभाएं की उसमें अपार जन समर्थन सबको देखने को मिला था। जिस तरह जयपुर का रोड शो था उसमें जो लाखों की संख्या में जनता आई थी, उसने उसी दिन बता दिया था कि राजस्थान मोदी साथे है। और आप ये मानकर चलिए कि आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को भी बना देते, भैया ये गांधी परिवार थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मंडल का कार्यकर्ता गृह मंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वैसे ही सरपंच से शुरुआत करने वाले, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से शुरुआत करने वाले भजनलाल शर्मा एक राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? यही तो लोकतंत्र है, और यही तो एक पार्टी का लोकतंत्र है जो सिखाती है कि यहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। आप भजनलाल शर्मा को क्या समझते हैं? भजनलाल शर्मा पिछले 5 साल की कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। आपके राज में पेपर लीक हुए युवाओं के, और उसके ऊपर जब आंदोलन हुआ तो लाठियां चली, और इसी भजनलाल शर्मा जी के ऊपर लाठियां चली, अस्पताल में ये लोग भर्ती हुए। ये जो कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि इनके इनके मुताबिक कुछ हो तो ये अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता को किसी पार्टी में सम्मान मिलता है तो इसको इनसे परिवार जाए। पार्टी ऑफिस में बैठे हैं क्या ये जो लक्ष्मीकांत एक जी? परिवार के इर्द गिर्द घूमने घूमने वाले लोग हैं ये? पार्टी बिल्कुल, ऑफिस मैं पार्टी में, ऑफिस हाँ, में ही हूँ, क्योंकि और बहुत पटाखों की आवाज उत्सव आ रही चारों है। तरफ मना हुआ है अब ये। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि जिनको आदत है एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने की, जिनको आदत है कि वो एक परिवार के ही सब कुछ उसी के चरण वंदना करते रहते हैं। राजस्थान में जब पिछला 2018 का चुनाव हुआ था तो अशोक वो सचिन पायलट के फेस के ऊपर हुआ था, लेकिन गांधी परिवार उनको नहीं चाहता था, इसलिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। ये जो 10 साल तक मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठा सकते हैं, वो लोग आज बात करते हैं कि भजनलाल शर्मा कैसे चुने जाते हैं। भजनलाल शर्मा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भजनलाल शर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 साल कांग्रेस की अराजक सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ी है, और कांग्रेस की अराजकता को खत्म करके राजस्थान में एक सुराज को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। पटाखों की आवाज पहुंच रही है कि नहीं अतुल जी? ऐसा है कि उनका अभिनंदन तो हमने किया है और करना ही चाहिए, लोकतंत्र में वो चुनाव जीते हैं तो उनका अभिनंदन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखिए तकलीफ क्या है, जिस परिवार के बारे में ये बात करते हैं, जहर उगलते हैं, 1989 के बाद आज की तारीख है 2023, कई बार ऐसे मौके आए, राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, सोनिया जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन सोनिया जी को जब मैंडेट मिला था 2004 में, तब किस तरह का बर्ताव जो है वो सुषमा स्वराज जी ने किया था। अभी वो जीवित नहीं है तो उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है, वो हमारी राजनीतिक संस्कृति को पकड़कर नहीं है, लेकिन किस तरह का बर्ताव किया था। और फिर मनमोहन सिंह जी बने थे, 2009 में भी मैंडेट मिला था, कौन से संवैधानिक पद पर राहुल जी या सोनिया जी रहे थे? लेकिन ये जो है नफरत जो है कि जनता उनके साथ में है, जनता ने उनको आज तक जो है अपने सर पर बिठा के रखा, ये बात की। जेपी नड्डा जी का चुनाव कब हुआ किसी को पता ही नहीं है, इज ए नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। हमारे यहाँ ब्लॉक से आए हुए एक दलित व्यक्ति जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के बाद अपनी माँ को भी खो दिया था, जला दिया गया था रजाकारों के द्वारा, भाई भाई भी जला दिए गए थे, पूरा परिवार जला दिया गया था, सिर्फ पिताजी और वो दोनों ही बचे थे। एक कामगार
एक ब्लॉक अध्यक्ष से उठकर अध्यक्ष बने, वो भी चुनाव के प्रक्रिया द्वारा। तो ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, जहां नॉमिनेटेड हुआ वो लोकतांत्रिक चुनाव है, और जहां हाईकमान की सरकार दिख रही है सीधी सीधी, ये जो तीनों मुख्यमंत्री है ये हाईकमान के मुख्यमंत्री है। और वो जो विष्णु साय जो है वो तो बड़े सभ्य व्यक्ति है, एकदम सभ्य व्यक्ति है, हमने देखा उनको मुख्यमंत्री बनने के पहले उनको जिस तरह का उन्होंने बर्ताव किया वो देखा। फिर आपने मोहन यादव जी की बात की, ये तो मैंने बिल्कुल है कि राम जी की जमीन नहीं छोड़ी उन्होंने, वैसे महाकाल की भी जमीन नहीं छोड़ी, वो भी उनके ऊपर एक केस चल रहा है, वो मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके पार्टी का मसला है। लेकिन झूठ बोलना और बार बार एक परिवार को जितनी गाली दे सकते हो देना, सोनिया जी को तो क्या क्या निकाला, राहुल जी को तो कहते हैं उसके लिए हजारों करोड़ खर्चा किए, लेकिन ये वास्तविकता है। पता है मुझे 1989 के बाद किस गांधी परिवार का व्यक्ति, मौका होने के बावजूद, लोगों ने मैंडेट देने के बावजूद, तब जनता का मैंडेट नहीं था क्या, तब लोकतंत्र नहीं था क्या, और उन्हें उन्हें मैंडेट मिलने के बावजूद वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहे, फिर भी ये कितने दिन तक, देखिए अंजना जी कितने दिन तक। क्वेश्चन है सर, आपकी बात हो गई, आपने लंबा बोला और अच्छा है, आपकी पीड़ा हम लोग समझते हैं, गांधी परिवार पर कोई बोलता है तो आपको दर्द होता है, वो ठीक है, अच्छी बात है, 3 मिनट आपने उस पर बोला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने किस तरह के शब्द, बीते दिन ही, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी कुछ दिन पहले किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, वो आप लोग भूल जाते हैं या फिर उसको जानबूझकर उसको उसको अनदेखा कर देते हैं। वरना अगर भाषा की मर्यादा सिखानी है तो आप राहुल जी को भी सिखाइए, उन्होंने पीएम के लिए भारत के वर्ल्ड कप हारने पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मुंह से निकालना मुश्किल है। नहीं, बहुत अच्छी बात है अंजना जी, आपकी आपके दिल में पीड़ा है, आपको ऐसा भाषा का संज्ञान ले रही है आप, बहुत अच्छी बात है, आपने संज्ञान लिया, सोनिया जी को क्या कहा था कांग्रेस की विधवा, किसने कहा था, नहीं लिया बिल्कुल, आपने मनमोहन सिंह साहब को, ठीक है, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि मीडिया पे बरस जाइए, चोर कहने, नहीं नहीं सबसे अच्छा है, नहीं नहीं आपसे अगर सवाल पूछूं तो आप मुझ पे बरसिए, लक्ष्मीकांत जी से पीएम पे पूछूं तो वो मुझ पे बरसे, एक मिनट आप जब ज्ञान दिए 3 मिनट सर तो थोड़ा सुनना भी चाहिए, नहीं आपने ज्ञान दिया कि गांधी परिवार को हित कर रहे हैं तो आपको तब बोल सकते, नहीं आवाज एक सेकंड, देखिए सर चिल्ला चिल्ली मत कीजिए सर, चिल्ला चिल्ली वाली बात नहीं, मैं आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट सिर्फ कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं गांधी परिवार पर ऐसे टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आपने भाषा की मर्यादा रखी होती तब आप ये सवाल बोलते तो ज्यादा शोभा देता, बस इतनी सी बात है। शशि शेखर जी, विजय विद्रोही जी, दोनों से कमेंट लेकर मैं लौट रही हूँ, उससे पहले एक बार चलते हैं जहां पर शरद वहीं पर मौजूद है बीजेपी दफ्तर में, शरद लक्ष्मीकांत जी वहीं से बैठे हुए हैं और पटाखों की आवाज इनके बैकग्राउंड में आ रही है, जश्न है ये, तमाम पार्टियां कहेंगी कि कौन कौन नाराज है, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट दिख रहा है बीजेपी ऑफिस में, क्यों? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भजनलाल शर्मा का नाम लिया गया है, एक संगठन का, एक व्यक्ति का, और देखिए इस दृश्य को, ये दृश्य दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में एक जश्न है, और बीजेपी दफ्तर में जो जश्न है वो जश्न दिखाता है कि यहाँ पर आता है कार्यकर्ता को एक मौका मिलता है, लोगों में किस तरह से खुशी होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ अंजना कि कल भी जब बात हुई थी मोहन यादव का बनाने का, तब भी यहाँ पर जश्न मना था, खुशी मना रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा खुशी, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक संगठन के आदमी को जिसने अपना पूरा जीवन संगठन को दे दिया, ऐसे व्यक्ति को माननीय मोदी जी ने चुना है, तो हमें तो ये आशा हो गई है कि कोई भी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बन सकता है, तो ये केवल मोदी जी के राज में ही संभव है, मोदी जी के नीतियों के कारण। एक कार्यकर्ता की भावना नहीं है यहाँ पर, मैं कल से देख रहा हूँ जब से मोहन यादव का नाम आया है, इतनी खुशी है कार्यकर्ताओं में, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नब्ज को पहचानते हैं कि जहाँ पर एक वसुंधरा राजे जैसा बड़े नेता को अगर घर बैठाना है तो फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल को ले आओ जहाँ पर कोई विवाद न हो और खुशी का माहौल हो। जब से हम आए, जब से उनका नाम हुआ, इसी तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल बन रहा है, पटाखे छूट रहे हैं। भजनलाल शर्मा, देखिए ये अमित शाह के खास व्यक्ति थे, मैं पिछले 2018 चुनाव से देख रहा था, उनकी सभाओं को संचालित करते थे, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी सभाओं को वही संचालित करते थे, आरएसएस से जुड़े थे, संघ से जुड़े थे, मगर एक डाउन टू अर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता, कहीं भी हम लोग भजनलाल जी कहकर रोक लेते थे और रुक जाते थे, एक सामान्य से कार्यकर्ता जिसमें कैसे कहीं जो नेता एक करंट मारता है वो करंट मारने वाली बात नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह की अच्छाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाल कर लाते हैं और उस प्रतिभा को निखारते हैं जैसे किसी जमाने में शिवराज सिंह को निखारा गया था, तो मुझे लग रहा है कि यही एक वजह है जहां पर बीजेपी में इस तरह की खुशी है। और देखिए इसके पीछे एक कहानी और भी है, देखिए अंजना अगर पॉलिटिकली देखें तो कि वसुंधरा राजे और उनके गुट को अगर घर बैठाना था तो आप किसी पुराने नेता को या राजनीति में
सत्ता में सक्रिय नेता को लेकर बैठाते तो कहीं ना कहीं विवाद होता है, इसलिए एक ऐसे चेहरे को चुना गया जिस पर कोई विवाद ना हो और संगठन से आया हो और जिसमें वसुंधरा राजे की राजनीति की दूर दूर तक छाया नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी रणनीतिक एक सूझबूझ भरा हुआ कदम था भजन लाल के नाम को लेकर आना। और हरदेव जोशी लंबे समय तक कांग्रेस में यहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, उसको एक ब्राह्मण चेहरा को लाना, उत्तर भारत में एक कहते हैं उसको संदेश देना, आदिवासी ओबीसी उस पर ब्राह्मण, साथ में एक राजपूत दिया कुमारी और फिर एक दलित प्रेमचंद बैरवा। और दिया कुमारी देखिए, वसुंधरा राजे जिन जिन को बहुत ज्यादा पसंद, भजन लाल को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं आप बता दो आपको अंजना जी, और दिया कुमारी को भी लाया गया है। और तो एक तरह से एक ऐसा कम्बिनेशन बनाया गया है बिल्कुल नए लोगों का, बिल्कुल नए लोगों का, जहाँ पर सत्ता की छाया, पुरानी छाया बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने लबो लुआब जो है ना सब कुछ बता दिया। एक तो जातीय समीकरण को किस तरह से साधा गया, शरद बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि वहां पर जो इस वक्त जश्न मन रहा है इन सब पर चर्चा करेंगे। शशि शेखर और विजय विद्रोही दोनों से एक कमेंट ले लेते हैं। शशि जी, क्या जातीय समीकरण के साथ साथ, क्योंकि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री जिसमें से एक राजपूत और एक दलित, इसी के साथ आप मोहन यादव चले जाइए जिसके जरिए शायद मतलब आप बिहार यूपी के यादव बेल्ट को भी काफी हद तक साध सकते हैं, वहीं विष्णुदेव साय को वहां चले जाइए तो आप एसटी की तरफ जा रहे हैं, क्या जातीय समीकरण के साथ साथ ये उम्मीद जगा देना कि कोई भी सीएम बन सकता है ये सबसे बड़ी विक्ट्री है 2024 के पहले अगर इस रणनीति के जरिए हम देखें तो? मैं इसमें तीन नेतार देखता हूं जना। पहला नेतार ये है कि माना यह जाता था कि बीजेपी को यादव और ब्राह्मण, बीजेपी उनसे थोड़ा सा गुरेज करती है, ब्राह्मण उनका मतदाता था लेकिन किसी भी स्टेट में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं था। कोई कहे कि असम के मुख्यमंत्री का नाम ले तो वो शर्मा है कि शर्मा है, इस पर थोड़ा सा उत्तर के लोगों में उनकी अपील नहीं है। लेकिन पहली बार उन्होंने ये दो मुख्यमंत्री देकर एक संदेश दिया है पैन इंडियन मतदाताओं को, खासकर पैन नॉर्थ इंडियन मतदाताओं को। दूसरी बात, इससे एक पूरे के पूरे उस युग की विदाई हो गई है जो कि मोदी और शाह के आगमन से पहले से अपने अपने स्टेट्स में और उस स्टेट की टोटल राजनीति को डोमिनेट करते थे, उस पूरे युग की तीनों स्टेट से विदाई हो गई है। अगर आप इसको देखें तो कंप्लीट हो गया पूरा सर्कल, हेमंत बिस्व शर्मा, योगी जी और ये तीन मुख्यमंत्री। इससे पहले हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ था और धामी जी। तो अब एक ऐसा, अब आप कह सकते हैं कि जो पहला चुनाव के बाद जो पहला फैसला किया गया था देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास वर्मा और खट्टर, उसकी परिणति यहां पर हो रही है। अब राजनीति में कहिए कि साहब वो कोई सफल हुआ नहीं हुआ, तो सफलता असफलता चलती रहती है। अब 2024 की बात, 2024 में ऐसे लोगों को कुर्सी देना जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लेकिन दिल्ली की बातों को भी गौर से सुने और उसको एग्जीक्यूट करें, ये फायदे का सौदा होने जा रहा है जना। इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। पीएम के इस दाव को आप कैसे देखते हैं विजय? 19 में से जो टिकट दिया गया था ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए जिनमें से एक को अब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और हमेशा उन्होंने सही कहा कि परहेज करती है बीजेपी क्योंकि जातीय समीकरणों को साधना भी राजनीति की एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है, लेकिन एक ब्राह्मण को राजस्थान में सीएम बनाया गया है। हाँ, मुझे लगता है ये बीजेपी ने भूल सुधार की है। राजस्थान में ब्राह्मणों को आप वोट तो बीजेपी को भरपूर मिलता रहा, बीजेपी का हिंदुत्व वाला जो रथ है वो भी आगे बढ़ता रहा ब्राह्मणों के सहारे, लेकिन पावर शेयरिंग में ब्राह्मणों को वो हिस्सेदारी नहीं मिली। जब वसुंधरा के 163 विधायक जीतकर आए थे तब भी एक सिर्फ अरुण चतुर्वेदी थे जिनको राज्य मंत्री बनाया गया था। 1990 में आखिरी बार हरदेव जोशी राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। तो मुझे लगता है कि पूरा कोर्स करेक्शन किया, भजनलाल को सिर्फ इस रूप में नहीं दे सकते राजस्थान तक सीमित करके। आप देखिए, आदिवासी एक हो गया, ब्राह्मण एक, मुख्यमंत्री दो, उप मुख्यमंत्री, दलित दो उप मुख्यमंत्री, ओबीसी एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और एक महिला, जिसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री शामिल। तो ये पूरा कास्ट इक्वेशन डालने की कोशिश की गई है। थोड़ा लाइटर वेट में बात करूं, लाइटर वे में कि आपने जैसे दिया है कि विष्णु मोहन और भजन, तो जैसा शशि शेखर जी ने कहा लेकिन कि आला कमान के निर्देश वाली बात उनके अनुसार चलने की, तो भजन तो तीनों को ही गाने हैं, कुल मिलाकर भजन तो तीनों को ही गाने हैं। लेकिन इसमें दूसरी बात है कि भजन लाल आज आखिरी पंक्ति में खड़े थे मुझे किसी ने कहा, और कल जो मोहन यादव थे वो भी शायद तीसरी पंक्ति में थे।
तो तीसरी पंक्ति और आखिरी पंक्ति तक मोदी जी की नजर जा रही है और वहां से वो उठा के ला रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा सबक होता है, सीखने के लिए हो सकता है कि जो कांग्रेस ने तेलंगाना में कर दिखाया वो मोदी जी ने तीन राज्यों में कर दिखाया। कांग्रेस भी ये काम कर सकती थी। पीढ़ी परिवर्तन हो गया, एक झटके में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, एक झटके में पुराने जो जो पॉलिटिकल पंडित थे, जो बड़े बड़े सितारे थे, उनसे आपको छुटकारा मिल गया और एक आगे आगे की 10 साल 15 साल की एक नई नई बीजेपी आप नैरेटिव सेट कर सकते हैं। नैरेटिव सेट करने में आप 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और ये कह सकते हैं। और यूपी का कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वोटर आदित्यनाथ से थोड़ा नाराज रहता था या क्या, तो यहाँ से उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, ये भी एक मकसद हो सकता है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि वो यही जो दोनों की बात है, सब मान रहे कि स्ट्रैटेजी के तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है जब आप नए चेहरों को मौका देते हैं, तीसरी पंक्ति में खड़े एक विधायक को कहते हैं ये सीएम बनने वाले हैं या फिर चौथी पंक्ति में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन क्या इसी के जरिए जो नेतृत्व है, मतलब एक एक सबको लगता है कि कभी भी बदले जा सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो जाता है? सिर्फ सकारात्मक नहीं, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी तो हो सकते हैं। देखिए अंजना जी, इससे बात ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर हर कार्यकर्ता के ऊपर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भजनलाल शर्मा जी ने पिछले 5 साल में और उससे भी पहले पार्टी के लिए और जनता के लिए कितने काम किए हैं, तो उनके वो काम जो और लोगों को नहीं दिख रहे स्टूडियो में बैठे हुए लोगों को, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी को दिख रहे थे और इसी के कारण आज उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मुख्यमंत्री छोटी जिम्मेवारी नहीं होती, तो प्रधानमंत्री जो कि पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री और इतने सालों से देश में सरकार चला रहे हैं, प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, उनको इस बात का संज्ञान है कि जिस व्यक्ति को वो इस पद पर बिठाने जा रहे हैं वो व्यक्ति किस तरीके से राजस्थान को चलाएगा। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान में हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं और ये ऐसी चुनौतियां हैं जो 5 साल राजस्थान ने देखा है, उससे बाहर राजस्थान को निकालकर वापस 5 साल पहले की स्थिति पर लाकर खड़ा करने की चुनौती बड़ी चुनौती है। और इसलिए जो योग्य व्यक्ति, जो सुयोग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को, विधायक दल को और पार्लियामेंट्री बोर्ड को लगा, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, केवल ब्राह्मण की बात करना, केवल किसी की मर्सी की बात करना, ये भजनलाल जी के साथ अन्याय है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं, राजस्थान की जनता भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। बरसों से जो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, जो जनता के बीच में रहकर काम कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है, तो मुझे लगता है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल्कि सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात से खुश होना चाहिए कि जो राजनीति में सामान्य तौर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है वो भी एक दिन उस मुकाम पर पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम, ये फैसला पार्टी में जान फूंकने के बराबर नहीं है अतुल जी? क्योंकि इस बात से तो आप लोग भी संघर्ष करते रहे, आप लोगों ने कोशिश की थी एक वक्त पर कि गहलोत साहब को अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी में, लेकिन वो माने ही नहीं, उन्होंने कहा कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री पद और मत की कुर्सी और उनमें ऐसा फेविकॉल का जोड़ लग गया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक कर भी शीर्ष नेतृत्व आपका कुछ नहीं कर सका। आपको नहीं लगता इस तरह का डिसिप्लिन हर पार्टी में होना चाहिए? एक चैलेंज है ये। अंजना जी, एक बात आप समझ लीजिए कि अभी इसमें लोकतंत्र की बात आ जाती है। मैक्सिमम विधायक ये चाहते थे कि गहलोत जी ही सीएम रहे और विधायकों ने वो अपनी बात कहकर दिखाई, उन्होंने वो क्षमता दिखाई। वो क्षमता भाजपा में दिखा सकते या नहीं दिखा सकते, इसका विश्लेषण आप कीजिए, नहीं तो फिर आप कहोगे कि मैं आपके ऊपर कटाक्ष करता हूं या फिर मैं आपको बोल देता हूं कुछ। मैंने इसीलिए आपके बीच में बोलने की कोशिश की थी कि जब मैं सच कह रहा था तो आपने कटाक्ष किया कि मैं ज्ञान बांट रहा हूं। मैंने कुछ सच बात कही थी, मैंने कोई ज्ञान नहीं बांटा था। अभी यह एक बात देखिए आप, हमने जातिगत जनगणना की बात की, उसका रिजोल्यूशन हमारे पार्टी के AICC के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किया, तो हम जातिवाद करते हैं ये नैरेटिव चलाया गया। आज देखिए जितने भी मुख्यमंत्री किए उनको क्षमता देखकर किया या इनकी जो नीति है वो नीतियां आगे लेकर जाने के लिए किया है या वो उस जाति के थे इसलिए किया है, फिर ये जातिवाद नहीं है क्या? ये सवाल भी तो खड़ा होना चाहिए ना। तो ये सवाल खड़ा नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगर क्षमता देख के किया है तो वो उनके पार्टी का निर्णय है किसे करना है, रोटी पूरी पलटाना है, एक पीढ़ी को खत्म कर नई पीढ़ी को लाना है, ये उनके पार्टी का निर्णय है, उसमें हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो उसका स्वागत ही करना चाहिए, हम स्वागत भी करेंगे, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है अगर यही नीति है नए लोगों को ही लाना है, नई पीढ़ी को देना है, तो 10 साल के बाद अब 75 के हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री की जगह क्या नया चेहरा आने वाला है? ये सिंपल सा सवाल है। अगर यही बात होगी तो नीति आगे जाएगी, अगर यही बात नहीं है तो फिर ये आलाकमान की सरकार है। हम वो जो कहा विजय जी ने कि भजन करना है, चाहे विष्णु मोहन हो, भजन तो तीनों को करना है, तो यही बात जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। लक्ष्मीकांत जी, इसका जवाब दीजिए।
देखिए दो बातें हैं, एक पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, विधायक उनके साथ थे, इसलिए इन्होंने बना के रखा। आपको 25 सितंबर 2022 की वो घटना याद होगी कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर राहुल गांधी के भेजे हुए श्रीमान खड़के जी राजस्थान आए थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने वाले थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को टकासा जवाब दे दिया अशोक गहलोत जी ने, एक विधायक मिलने नहीं गया खड़के जी से, और जो अध्यक्ष बनने वाला था किसी पार्टी का संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी ने बगावत कर दी। तो इस तरह का अनुशासन कांग्रेस पार्टी के अंदर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को नेता बनाया है, एक कार्यकर्ता को यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है, ना केवल कार्यकर्ता को बल्कि जिसने संघर्ष किया है राजस्थान की जनता के बीच में, ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। और हमारे सामने बड़ा चैलेंज है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान में जो 5 साल कुराज चला है कांग्रेस पार्टी का, उस कुराज से राजस्थान को निजात दिलाने का बड़ी चुनौती राजस्थान में हमारी जो नई सरकार बनने वाली है उसके सामने है। ये बार बार दोहरा रहे हैं इन बातों को कि जो चेहरा बनाया गया है वो कमजोर है। आप ये पूछिए कि इनसे कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात तो बात बार की बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बताएं कि गांधी परिवार के चंगुल से कांग्रेस पार्टी को कब निकालेंगे। 20 साल तक एक ही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहते हैं, आज खड़के जी अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने देखा 3 दिन पहले 4 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री शपथ लेकर आए और केवल सोनिया गांधी जी के पेट छूके रह गए। तो आज भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक परिवार के चंगुल में है, उस परिवार के चंगुल से कांग्रेस पार्टी को कब बाहर निकालेंगे, पहले बात की शुरुआत यहां से करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन और दोनों से रिक्वेस्ट है, आप सवाल पूछिए लेकिन सम्मानित भाषा में एक दूसरे के नेता के लिए, ठीक है अतुल जी? मैं तो सम्मान से बात करता हूँ अंजना जी, आप तो जानती है। हाँ। मेरा एक ही सवाल है, इन्होंने कहा कि विधायकों ने बगावत कर दी या गहलोत साहब ने बगावत कर दी, और उधर कहते हैं कि गांधी परिवार के चुंगल से पार्टी कब छूटने वाली है। इनके जो अध्यक्ष है वो कैसे चुने गए किसी को मालूम नहीं, वो तो नाम निर्देशित है, नॉमिनेटेड है, हमारे अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यही बात करता रहे। तो मेरा अभी एक ही सवाल है इनसे, क्या इन्होंने वैट के ऊपर काफी टारगेट किया था कि सबसे ज्यादा वैट जो है वो राजस्थान में है पेट्रोल के ऊपर, वो वैट कब कम करने जा रहे? क्या आप बिजली का बिल जो है वो बढ़ाने वाले हो, क्योंकि चल रहा है कि डिस्कॉम ने कह दिया कि 20% हम बिजली बिल जो है वो बढ़ाने वाले। तीसरी बात, क्या जिस तरह का कानून राजस्थान में पेपर लीक के लिए किया गया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा जो है वो मुकर्रर की गई है, उसी तरह का कानून गुजरात में बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, हरियाणा में बनेगा और महाराष्ट्र में बनेगा क्या? क्या आप जो है हमने ओपीएस की जो स्कीम लागू की है, हम अभी आने के बाद कानून करने वाले थे, क्या वो लागू रहने वाली है? क्या चिरंजीवी योजना में हमें जो पता चल रहा है जिस तरह से अभी निजी अस्पतालों ने उसे चलाने के लिए मना कर दिया है, क्या वो चिरंजीवी योजना जो है वो चलने वाली है? क्या 2500 रुपए गृह रक्षा? मैं पूछ रहा हूँ अंजना जी कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, मैं इतना जानना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अभी 2 घंटे में कर दो। दोनों पत्रकारों से एक सवाल है मेरा, ठीक है, मतलब पुरानी स्कीम्स को कमलनाथ जी ने भी वहां ट्वीट किया कि आप लोग क्या करते गुस्से में तो नहीं काम करेंगे पुरानी सरकार के खिलाफ। हाँ बस बस ये देखिए, हम तो राजस्थान की जनता के हित में काम करेंगे। भामाशाह योजना वसुंधरा जी की सरकार में चल रही थी, इसी तरह की योजना जो लोगों को फायदा पहुंचा रही थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसको इन्होंने बंद कर दिया। हम नहीं करने वाले हैं, हम राजस्थान की जनता के हित में काम करने वाले हैं। अंजना जी, आपके माध्यम से राजस्थान की बेटियों को हम आज आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से उनको दुष्कर्म के बाद टुकड़ों में काटकर भट्टी में जलाया गया था राजस्थान में, अब वो नहीं होगा। राजस्थान में सुशासन होगा, राजस्थान में सरकार की पकड़ नौकरशाही पर होगी, राजस्थान में सरकार की पकड़ पुलिस पे होगी, और पुलिस जनता के लिए काम करेगी, पुलिस कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की तरह जो उनके लिए काम करती थी उस तरह काम नहीं करेगी। आज ये तय हो गया है कि राजस्थान में जनता की सरकार बन रही है, वो सरकार जिसने लाड और जनता ने लाड और प्यार दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी ने एक सुयोग्य व्यक्ति को राजस्थान की कमान सौंपी है, और वही व्यक्ति राजस्थान को पटरी पर लेकर आएगा विकास की, जो 5 साल पहले जो गौरव था राजस्थान का उस जगह वापस खड़ा करेगा। आप ये बिजली की कीमतों की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से फिर बता के जा रहा हूं कि बिजली में भी इन्होंने किस तरह की लूट मचाई थी कि राजस्थान की बिजली कंपनियां 2,00,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक घाटे में छोड़कर गए हैं ये लोग। तो ये जो इस तरह की स्थिति इन्होंने बनाई है, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ही हमारी सरकार काम करेगी, और राजस्थान के जनता के हित में जो कुछ भी होगा वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में करेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मुझे दोनों जो जर्नलिस्ट है उनसे बातचीत कर लीजिए। एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें भी दिखा दीजिए। अभी अभी भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं शशि जी बीजेपी दफ्तर, जबरदस्त उत्साह है। कई बार तो ऐसा लगता है कि चाहे वो विष्णु जी हो, मोहन जी हो या फिर यहाँ के भजन जी हो, सबके लिए समझ पाना इतनी बड़ी चीज अचानक मिलना, क्योंकि शायद हम लोग भी लगातार चला रहे थे कि कौन कौन रेस में है, कौन बन सकता है सीएम, किसी को अंदेशा नहीं होता ऐसा एक चेहरा चौंकाने वाला अचानक से फैसला ले लिया जाता है। जरा बातचीत हो जाए
भजनलाल शर्मा पे। एक व्यक्ति संगानेर से विधायक हैं, लंबे वक्त से संघर्ष सड़कों पर कर रहे थे, लक्ष्मीकांत जी लगातार उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक सीएम के तौर पर सडन अपराइजिंग जो ऐसे विधायकों का हो रहा है तीनों स्टेट्स में चौंकाने वाली तरीके से, इसका क्या अर्थ समझे हम? लोकतंत्र में इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि ये अब एक ट्रेंड बन रहा है इन राज्यों में बीजेपी। अंजना, मैं देखिए राज्यों के ट्रेंड की अगर बात करें तो कांग्रेस से तेलंगाना में जिनको बनाया रेड्डी साहब को, उन्होंने काफी काम किया था चुनाव जीतने के लिए। ये तीनों भी अच्छे कार्यकर्ता जरूर रहे होंगे और जरूर इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन इनके पास कोई लैंडमार्क नहीं है ऐसा कहने के लिए कि साहब इन्होंने ये काम किया इसलिए इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला। ऐसे और भी कार्यकर्ता वहां पर होंगे, तो जब इनको बनाया गया है तो जाहिर है कि उसकी जो वजह हम पहले भी बात करते रहे हैं वो है, जो भी पिछले बार आपने मुझे मौका दिया था तीन वजह मैंने बताई थी। पर एक बात मैं आपको जरूर यहां कहना चाहूंगा, इन तीनों लोगों की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी है, इनके जूते बहुत बड़े हैं जिन्होंने जिनमें इन्होंने पैर डाला है, और ऐसे में जब ये कोई भी काम करेंगे तो जनता इनको बहुत जज करेगी, चाहे गहलोत रहे हो, चाहे वसुंधरा रही हो, चाहे शिवराज रहे हो, चाहे कमलनाथ रहे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे बघेल हो, ये सारे के सारे सीजन लोग थे, और इस सीजन लोगों के साथ इनकी अपनी खुशफहमियां, गलतफहमियां, बदनामियां भी थी और अब गुमनामियां भी हैं। लेकिन अब जब इन लोगों को बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दांव है, लेकिन कुछ चीजें आश्वस्त करती है बीजेपी की ओर से अगर मैं देखूं तो, कल परसों और आज तीन राजधानियों में एक ही उल्लास, एक ही तेवर और एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी मोदी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने एक बड़ा जोखिम उठाया था अपने नाम पर चुनाव लड़ने का, इतने बड़े बड़े लोगों को माइनस करके, और वो चुनाव उन्होंने जीता है, और ये 2024 की सॉलिड आधारशिला इसलिए है। ये भी कहा जा सकता है सब पिछले चुनाव तो कांग्रेस ने जीते थे, क्या हुआ, लेकिन पिछले चुनाव राहुल गांधी को या किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां पर नहीं लड़े गए थे, यहां पर प्रधानमंत्री के नाम और काम पर चुनाव लड़े गए, और अगर वो जीते गए और पुराने चेहरे नेपथ्य में चले गए तो जाहिर है कि ये 2024 की एक सॉलिड स्ट्रेटजी है। लेकिन ये 6 महीने इन लोगों की अग्नि परीक्षा के हैं, क्योंकि पिछला उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में मैं विजय के रहते कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे लिए वो राजस्थान के अल्टीमेट एक्सपर्ट पिछले 22 साल से है। हाँ। तो विजय से ही पूछा जाए। बिल्कुल विजय, पहले तो बताइए कि आप कितना जानते हैं भजनलाल शर्मा को, उनके कामकाज को। दूसरा प्रश्न, 24 के लिए क्या अंदर खाने गुटबाजी होगी या एकता के साथ पूरी पार्टी, और ये तमाम दिग्गज जो है वो समझ गए हैं संदेश, और इस वजह से शायद 24 के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं ये बनेगा। देखिए, जो तीन राजस्थान में एक मुख्यमंत्री हो गए, दो उप मुख्यमंत्री, तीनों अनुभव के मामले में राजघराने से होने के बावजूद आप दौड़ती भागती थाने में उलझती, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी बिल्कुल, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, श्री राजनाथ सिंह जी का, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी का और सभी प्रभारी गण का, सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, और बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूंगी, काम करेंगे, अभी भी किया ही है, और बहुत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अब दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम करेंगे, और बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। भजनलाल शर्मा जी को एक कार्यकर्ता को बनाया गया मुख्यमंत्री, आप लोग चौंकी या कुछ चौंकने के लिए इंतजार कर रही थी या मान रही थी कि कोई कार्यकर्ता बन सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, और आपने आज उदाहरण देखा, शायद कल भी देखा होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो लेकिन वो काम उसने पार्टी के लिए किया है, जनता के लिए किया है, तो उसको सम्मान भी मिलता है और उस पर पार्टी विश्वास भी जताती है, और ये आपने देखा, बहुत खुशी की बात है, एक आम कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत बड़ा काम किया है, और इससे सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भी बढ़ा है, उत्साह भी है। जी, क्या प्रायोरिटी रहेगी डिप्टी सीएम के तौर पर, क्योंकि आपको मैं देखा हूं कि हर जगह जहां कहीं बलात्कारी घटना हो या फिर कोई शिकायत हो महिला अत्याचार के लिए आप पहुंचती थी वहां पर, तो अब तो एक्शन का समय है।
पूरी तरह से एक्शन का समय है और कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कहीं भी कोई इस तरह की घटना होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई भी होगी और उसके बाद मुझे लगता है टाइम बाउंड तरीके से हम लोगों को मतलब काम करना चाहिए, अधिकारियों को काम करना चाहिए और उसके बाद अगर कोई दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो मैसेज नहीं जाएगा ना तब तक इस तरह की चीजें रुकेंगी नहीं। ऐसी वारदातें क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों में डर नहीं है, क्रिमिनल्स में उनमें डर नहीं है, वो सोचते हैं हम कर भी लेंगे तो हम पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो कांग्रेस में हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल इन सब चीजों को प्राथमिकता दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता भी यही है। आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, देखिए इतने वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे, बहुत सारे लोग जो हैं वो जीत कर आए हैं, सांसद भी और बुजुर्ग भी, एक नई टीम बनाई गई है पूरी, तो एक नई पुराने टीम का एक आप लोग सत्ता में रहेंगे, वो संगठन में रहेंगे, किस तरह से होगा? ये तो सब पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं, लेकिन बिल्कुल हम सब लोग जिन जिम्मेदार और सबका आशीर्वाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी का कि उनने हम सब पे आशीर्वाद बनाया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और सब मिलकर काम करेंगे। दिया कुमारी कह रही हैं कि जो एक जिम्मेदारी सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को, यही एक पार्टी की खूबी है और अब एक्शन का समय है, हम एक्शन करके दिखाएंगे कम से कम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। कैमरा के समय के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। चलिए तो शरद ने बाजी मार ली है, दिया कुमारी से पहली बातचीत आपने आज तक पर देखी है। उप मुख्यमंत्री बनी है विद्याधर नगर सीट से, वो जयपुर में चुनावी मैदान में उतरी थी, सांसद थी, उनके लिए एक बड़ी बाजी थी और इस पर खूब चर्चा होती थी। जल्दी से एक बार विजय जी की बारी है, अतुल जी इसके बाद फौरन आ रही हूं। विजय, जो सवाल मैंने पूछे थे उसका जल्दी जल्दी से जवाब। देखिए वही मैं कह रहा था कि तीनों प्रशासनिक रूप से या मंत्रालय चलाने के रूप में कोई अनुभव नहीं है तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात है कि जाट और गुर्जर ये दोनों अपने आप को थोड़ा जातियां उपेक्षित महसूस कर सकती हैं, उनको साथ लाने की जरूरत पड़ेगी मीणा भी। और तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने चूंकि इनको चुना है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए हैं, इसलिए पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो मुझे लगता है कि किसी तरह का बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया या पूरा सहयोग नहीं किया या सच्चे दिल से सहयोग नहीं किया तो फिर उनके पद पर कतरे जा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन तीनों पर भारी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पिछली दो बार से 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई है तो इस बार भी मोदी जी की झोली में 25 सीटें डाले, ये एक महती जिम्मेदारी रही। बिल्कुल, जल्दी से अब आपका कमेंट ले लेते हैं अतुल जी, उसके बाद लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहे हैं। दिया सिंह ये कह रही हैं कि पार्टी में जो काम करता है उसको उसका उपहार मिलता है, आम कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया, ये एक भावना है, आप इस पर जितना भी मुस्कुराएं अच्छी बात है, लेकिन एक फीलिंग अन्य कार्यकर्ताओं में भी आती है कि मैं सिर्फ, अब देखिए लक्ष्मीकांत जी को लग रहा होगा कि ब्राह्मण भी सीएम बन सकता है, काम करने वाला भी पार्टी के लिए सीएम बन सकता है, को मतलब अब कोई बाज नहीं है कि ये आदमी नहीं सीएम बन सकता है या इस जाति का सीएम नहीं बन सकता है या ये कार्यकर्ता सीएम नहीं बन सकता है, बहुत दिग्गज है जो कुर्सी जिनको छोड़ नहीं रही। अतुल जी ये अच्छी बात है, कार्यकर्ता को पद मिलना अच्छी बात, मैं उस पर नहीं मुस्कुरा रहा था। हाँ। मैं दिया कुमारी जी की बात पे मुस्कुरा रहा था। अभी छोड़ दीजिए उज्जैन में 15 साल की लड़की 2 साल तक दो घंटे तक घूमती रही, पुलिस नहीं पहुंची, नग्न अवस्था में घूमती रही, मणिपुर की बात को छोड़ दिए, मैं नई बात अभी आज की बात बताता हूँ। राम दुलारे नाम के इनके एक विधायक है यूपी के, मुझे देखना है, उन्होंने एक नाबालिग लड़की पर बलात्कार किया, विधायक है कुलदीप सेंगर के बाद, चिन्मयानंद के बाद, ये मैं देखना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। मैं देखना चाहता हूँ अगर जिस जो पैरामीटर्स पे बीजेपी प्रचार करती है उसमें शिवराज सिंह फेल थे क्योंकि 58,000 बलात्कार हुए 5 साल में, इसमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आसाम, छठे नंबर पे राजस्थान था, दूसरे नंबर पे हरियाणा है और ये एनसीआरबी के सारे आंकड़े हैं। और आजकल तो छोटे बच्चों के गुनहगारी में और महिलाओं के गायब हो जाने में हमारा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आया, ये भी एनसीआरबी के आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है। तो ये जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी विसंगतियां हैं, विसंगतियां मैं दिखा रहा हूँ। तो राम दुलारी जी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक है वो, उन्होंने एक नाबालिग लड़की बलात्कार किया, उसके घर पे बुलडोजर चलने वाला है नहीं चलने वाला? लक्ष्मीकांत जी
देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां कानून का राज है, कानून को उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके सरकार के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं इनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि राजस्थान में इनके एक विधायक के बेटे ने रेप किया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। एक विधायक और मंत्री के बेटे ने जो दुष्कर्म किया उसकी पीड़िता को तो दिल्ली जाकर FIR करानी पड़ी। तो आपको बोलने का यहाँ पर कोई खास, मुझे लगता है कि कोई आपकी बात का महत्व नहीं है, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो राजस्थान के बारे में आप बार बार बोल रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपने पहले भी कहा कि भजनलाल शर्मा जी ब्राह्मण है इसलिए मैं खुश हूँ, भजनलाल शर्मा जी को ब्राह्मण मानकर चलने से मुझे लगता है कि उनके साथ जाति है, वो एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनाया है तो उनको उस रूप में देखा जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, राजस्थान में जो अराजकता चली है उस अराजकता को खत्म करेंगे। 5 साल जो दिया कुमारी जी की बात हो रही थी, दिया कुमारी जी वो नेता है जिन्होंने राजस्थान के हर हिस्से में जाके चुनाव लड़ा है। वो मेवाड़ से सांसद बनी, वो पूर्वी राजस्थान में जाके विधायक बनी, आज जयपुर में आके विधायक बनी है। दिया कुमारी वो नेता है जो राज परिवार से होते हुए भी, आपकी खबर आपको याद होगा अंजना जी, आज तक पे जो बेटियां बेची गई भीलवाड़ा में स्टाम्प पेड़ पे, उस बेटियों की सुध लेने के लिए भी अगर कोई सबसे पहले गया तो वो दिया कुमारी जी गई थी। तो राजस्थान में मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की नजर हर कार्यकर्ता पर है, जो जनता के बीच में रहता है, अच्छा कार्यकर्ता है, ईमानदार है, जिसकी सोच ईमानदार है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की नजर में है और उसको उसका चयन उन्होंने किया है और उसका फल राजस्थान की जनता को भी देखने को मिलेगा कि एक सुयोग्य प्रशासन देने में ये सब लोग कामयाब होंगे, राजस्थान को पटरी पर लाने में कामयाब होंगे। जो आप ये कह रहे थे एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बार बार जिसका उल्लेख कर रहे थे, एनसीआरबी के आंकड़ों की जरूरत नहीं है। राजस्थान ने जिस तरह देखा कि यहां बेटियां दुष्कर्म के बाद टुकड़ों में काटकर भट्टियों में जलाई गई, उसको एनसीआरबी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से दुष्कर्म के बाद मारकर, गोली मारकर, तेजाब डालकर कुएं में फेंकी गई, ये किसी के इसके साक्ष्य की इसके लिए जरूरत नहीं है। यहां पर जिस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हुई, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के शासन में, और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि 15,000 छोटी बच्चियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, एक बड़ा फैसला उस पर जल्दी से एक कमेंट लेकर मैं, ठीक है अतुल जी आप अपनी बात बोल लीजिए। सवाल ये है लेकिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गुजरात के बाद अगर पीएम की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, आप 14 और 19 में लोकसभा में तमाम सीटें बीजेपी के नाम कर देना मोदी के नाम पर, ये एक बड़ी बात है। गुजरात जैसी ही लोकप्रियता पीएम की राजस्थान में भी है, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं। 24 में आपको ये क्या संदेश मिल रहा है, ये जो तीनों राज्यों में पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़कर जीत हासिल हुई है अतुल जी, 24 के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए 24 के लिए तो जनता के सामने प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम लगकर चुनाव के सामने गए, हमने प्रोग्राम रखा है और जनता के लिए स्कीम्स रखी है, जनता के विकास के लिए स्कीम्स रखी है, आम जनता के लिए स्कीम्स रखी है। अब ये क्या करते हैं ये जनता के सामने आएगा और उस पर हम जीतेंगे, ये बात तय है। अब दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, कन्हैयालाल के जो खूनी थे उनको 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था, NIA उसको 2 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ये इनके ही कार्यकर्ता थे, तो NIA अभी कब उनको जो है सजा दिलवाने वाली है, ये बताए। मैं झूठ बोलने, मुझे आदत नहीं है, मुझे आदत नहीं झूठ बोलने की, बिल्कुल नहीं। और हमने कन्हैयालाल के हत्यारों को जनता ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है और NIA ने दिसंबर 2022 में ही उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता नहीं है, अब जब पार्टी के दोनों प्रवक्ता भिड़ जाए उसके बाद से एक्सपर्ट्स के लिए बहुत टाइम नहीं बचता है। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि शेखर जी, और विजय आपका भी बहुत धन्यवाद, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में अपने चेहरे पर लड़े हुए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जब पार्टी में ऐसे विधायकों को सीएम पद सौंपा है जो कि शायद इतने जाने माने चेहरे नहीं थे, तो ये एक बड़ा दांव है और संदेश साफ है कि कोई भी आम कार्यकर्ता पार्टी में सीएम पद तक पहुंच सकता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।